अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैरियर से होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज की अपनी न्यू वीडियो इसी के साथ हम करते हैं स्टार्ट। और ये हैं जी प्यारे प्यारे येलो येलो कलर के मैंगो। और आपको पता है आजकल मैंगो मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। किसी और बंदे को कोई फ्रूट पसंद हो ना हो पर मैंगो तो लाजमी है भाई। तो अभी हम लोग बनाने लगे हैं क्रीम चाट। उसके लिए मैं फ्रूट जो है वो सारे कट कर रही हूँ, और दूसरे फ्रूट कट करते हुए वीडियो आपको पता शूट नहीं हो सकती। मैंगो के साथ हादसा लतपत हुए होते हैं। तो ये हमारी क्रीम चाट जो है वो तैयार हो चुकी हुई है, और साथ हम लोग लेके आए थे आज सलमान वालों से इफ्तारी थोड़ी सी। समोसे लाए थे, कचौड़ियाँ लेकर आए थे, और जो है वो चिकन पकौड़ा लाए थे। बच्चों को बहुत पसंद है उनकी इफ्तारी, और साथ ना उनके जो समोसे हाथ तो पे कीमे वाले वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और आपको पता है रोज़ा रखने के बाद दिल बिल्कुल भी खाने का नहीं करता, दिल यही करता कुछ चटपटा सा, क्रीम चाट, फ्रूट चाट, दही भल्ले या फिर कोई चीज़ फ्राई हुई हो। और फ्राइज भी हम लोगों ने इस दफ़ा अफ्तारी में दबा के खाई हैं बहुत ज़्यादा। तो ये थे हमारे दही भल्ले, तो ये थी आज की हमारी अफ्तारी। और उसके बाद हमने आज बिरयानी बनाई हुई थी। अब है बारी जी बच्चों को पढ़ाने की। और रोज़ा खोलने के बाद हम लोगों ने जो है घंटे के बाद बच्चों को बैठ के थे लेके पढ़ाने के लिए। और आपको पता है जब नई नई चीज़ कोई बंदे के दिमाग में चल रही हो ना, या बंदा उसके बारे में सोच रहा हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो जैसे ही हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो हमने कहा क्यों ना वाइट बोर्ड मंगवाया जाए, उसके साथ उसकी जो असेंशियल चीज़ें होती हैं मार्कर और डस्टर वगैरह। तो बड़े एक्साइटेड थे हम जी, चलो टीचर वाली फुल फील आएगी, बच्चों को वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाएगा, साथ अपना भी टाइम गुजर जाएगा, साथ बच्चे भी कुछ सीख जाएंगे। तो शौक ना शुरू शुरू के एक दो दिन की तरह ही होता है। अब हमारा तो ख़त्म हो गया, पर बच्चे वाइट बोर्ड के पास आके बैठते हैं, उनका दाल लग जाए, फिर ऊपर चीज़ें लिखने लग जाते हैं। ऐसे बस हम भी इस लाइफ से गुजर चुके हैं, हमें पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। बच्चों का यही दिल होता है बस हम किसी तरह भाग जाएं, कोई दा हमारा लग जाए। और जब हम वो देखते हैं ना दरवाज़ा कमरे का खुला हुआ है, बाहर घर वाले बैठे हैं, तो उनको रोना ना भी आ रहा ना हो तो वो रोने लग जाते हैं, ताकि कोई तो आके हमें बचा लेगा। कभी कभी तो हैर उनका दा लग जाता है, लेकिन घर वाले भी कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हर दफ़ा तो नहीं ना इनको बचाना, अभी पढ़ें, कुछ पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। पर बच्चे हैं जी वो आजकल कुछ समझते नहीं हैं। और साथ जी हमने अपने दो तीन काम जो है सोचे हुए करने के लिए, टाइम नहीं था लग रहा है, एक दिमाग में तो काफ़ी देर से था। एक तो काम ये था कि कपड़े जो है वो हमारे प्रेस होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। पहले तो हमने धोबी लगवाया हुआ था, पर धोबी भी किसी अजाब से कम नहीं है, सही बात है। कोई सही हो तो फिर ठीक है, कोई हो ना सस्ते नशे करने वाला धोबी दसवार टाइप, तो वो फिर ना आपके कपड़े जला जला के आपको देगा। और फिर अफसोस की बात क्या है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते, उस बेचारे को क्या कहें कि अब तुम हमारे कपड़े ठीक करके दो या क्या करो। पर हमारे जो है ना धोबी, उसने दबा दबा के हमारे कपड़े जो जलाए हैं, काफ़ी ज़्यादा सूट हैं। गावारों के भी उसने सारे खराब किए हैं, सिलाइयाँ जला दी थी, कुछ लैसें अंदर लगी हुई थी, पैचेज लगे थे वो जला दिए, तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद घर वालों ने तो बड़ी बिस्ती की कि अब जो मर्ज़ी हो कपड़े तुम लोगों ने घर ही प्रेस करने हैं, कभी भी वहाँ से नहीं होंगे। तो हमने भी कहा यही बात है, बंदा इतनी मेहनत करे, इतनी लैसे लगवाए, और इतने जो है वो गर्मी में ख्वार होके सारी चीज़ें उसकी पूरी करें, और एंड पे जी जला के कपड़े वो जाएँ। तो बहुत दुख हुआ था, हमारी पाइपिंग उन्होंने जला दी थी जो धोबी थे पूरी पूरी, फिर हम लोगों को पाइपिंग सही उतारनी पड़ी। कोई नहीं जी, ज़िंदगी इसी का नाम है, बंदा कुछ गलतियाँ करके सीखते हैं, और हम सीख चुके हुए हैं। और साथ हम लोगों ने माया जो है वो तैयार कर ली हुई है। जब आने लगे थे कपड़े वॉश करने के लिए, तो माया अभी बना ली थी हम लोगों ने। तो गर्मी के कपड़े इस तरह के होते हैं कि माया लगाए बगैर आप पहन नहीं सकते, क्योंकि उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है गर्मी में, और वो पसीना और वो सब कुछ। तो ये हैं जी साथ हमारे तोते, मैंने कहा इनको भी आपको दिखा दूँ। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे स्टार्ट में, मैंने इस चैनल पे जो है वीडियोज़ इनकी काफ़ी शुरू की थी। इनका बस शौक था लाने का, तो हम लोग लेके आए थे काफ़ी ज़्यादा। कुछ अंदर लव बर्ड्स थे, कुछ जो थे वो बुजीज उनका उनको कहते हैं उनकी ब्रीड को, तो कुछ जो है अंदर से मरने लग पड़े, क्योंकि हम इनके टेम्परेचर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनको कितने टेम्परेचर में रखते हैं, सर्दियों में इनको क्या करना है, गर्मियों में क्या करना है। और फिर साथ जो है कुछ तो जो है वो दाना डालने के लिए हम लोग खोलते थे ना, जब इसके जो छोटे छोटे इनके दरवाजे बने हुए हैं, कुछ तो जो है वो दा लगा के भागे थे। और फिर ये एक दफ़ा निकल जाए तो ये तो नामुमकिन सी बात है, कभी भी वापस आएंगे। तो एक दो ब्रीड हमने और इनकी रखी थी, तो पर ये भी शुरू शुरू में शौक था, इनको देखते थे, रोज इनको दाना डालते थे, कभी हमने नीचे रखा, कभी ऊपर सबसे स्टोर में ले गए, क्योंकि सर्दियों में ऊपर फिर कभी इनके जो है वो एनर्जी सेवर वगैरह लगाने वो ख़राब हो जाते थे। अब फिर हम लोगों ने लास्ट पे इनको नीचे जो है ना गैराज के अंदर दीवार के साथ जो है पिंजरा इनका सेट करवा दिया हुआ है। तो अब हम लोग जो है वो घर वालों को कहते हैं कि आप लोग ही इनको देखें और आप लोग ही इनको दाना डालें।
तो एक ये भी पैरेट था और एक जो है वो बड़ा जो है अफ्रीकन पैरेट है वो भी है, वो बहुत प्यारा है, वो उसकी भी मैं आपको कभी वीडियो दिखाऊंगी थोड़ी सी क्लिप, और पहले भी मैं इस चैनल पे उसकी भी जो है वीडियोस वो डाल चुकी हुई हूँ, और वो इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलता है और प्यारा भी बहुत ज़्यादा है। वो नाम जैसे कि ये बोलता है माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम, तो काफ़ी वर्ड्स हैं, साथ हमारे नाम वगैरह भी लेता है। ये शौक़ था बच्चों को भी काफ़ी, और ये तब हम लोगों ने लिया था 65,000 का, तो इसका सो कोई साथ पेयर हो तो फिर ठीक है, वरना ये अकेला ही जो है ना वो लगा रहता है और बस रौनक के लिए होती है ये चीज़ें। और देखें जी, बातों बातों में हमने कपड़े जो है काफ़ी वॉश कर लिए हैं, वॉश करने के बाद अब माया लगाने की बारी है इनको। कपड़े हम लोगों के थे, बस मेरी और मेरी सिस्टर के और घर वालों के दो तीन थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये भी वॉश कर दो जो अपने कार्य उसके साथ साथ, अदरवाइज़ पहले जो है वो घर वाले ही कपड़े वॉश करते हैं और वो सुबह के टाइम रोज़ा रखने के बाद ही जो है ना वो मशीन लगा लेते हैं, पर हम लोग उस टाइम सोए होते हैं तो हमारे कुछ रह गए थे तो हम अभी वॉश कर रहे हैं। ज़्यादा जो है वो कोशिश यही होती है कि जो इस तरह के काम है सफाई वगैरह के या फिर जो है वो कपड़े वगैरह वॉश करने के या कपड़े प्रेस करने के, यहाँ तो वो रोज़ा रख के फ़ौरन किए जाएँ, या रोज़ा जो है वो इफ्तार करने के बाद रात में जो टाइम होता है उस टाइम पे कर लें, तब बेस्ट टाइम होता है बिल्कुल, साथ टाइम भी आपका गुजर जाता है, साथ जो है वो दूसरे काम भी आपके हो जाते हैं। अभी जो है वो हम लोग इंतज़ार आजकल इसी चीज़ का कर रहे हैं कि कब जो है यूनिवर्सिटी वालों की मेल आए कि आपकी क्लासेस जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो रही हैं, फिर चलो वो भी रूटीन का एक हिस्सा बन जाएगा और साथ सेमेस्टर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी तक हम लोग जो है वो जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी, तो इस दफ़ा के हमने गर्मियों के कपड़े अभी तक स्टिच करवा ही होने थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाएँ तो फिर आपको जो है वो कपड़े नए नए पहन के जाने का शौक़ होता है और साथ आपकी ज़रूरत भी होती है डेली के कपड़े चेंज करने होते हैं। इस दफ़ा के रमज़ान का चले ये फ़ायदा कि हमारे जो है रोज़े को बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, माशाल्लाह सारे रोज़े रखे जाने हैं और गर्मी का भी कोई एहसास नहीं होता क्योंकि घर में होते हैं। पहले तो ये रूटीन होती थी लास्ट ईयर के रोज़ा रखने हैं, फिर सारी यूनिवर्सिटी में जाकर क्लासेस लेनी है, वो क्लासेस के अंदर भी गैप इतना होता था, तो बहुत मुश्किल रोज़े गुजरे थे लास्ट टाइम के। इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजरे हैं बिल्कुल। कपड़े जो है स्टिच हमारे पास लास्ट ईयर की जो है जमा पूंजी काफ़ी पड़ी हुई है जो स्टिच करवाने वाले हैं, तो इस दफ़ा यही कोरोना की वजह से उस हालात से डरते हुए हम लोग जा नहीं रहे और लेसन लेके नहीं आ रहे, और ईद के लिए हम लोग जो है वो एक खाड़ी से सूट लेकर आए हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत प्यारा कलर है, पिंक पिंक सा, और वो थ्री पीस था। जो खाड़ी पे कलेक्शन और खाड़ी का जो कपड़ा होता है बहुत ही अच्छा होता पहनने के लिए। तो अभी हम लोग आए हैं जी ऊपर छत के ऊपर कपड़े प्रेस करने के लिए, और कपड़े जो है बेड के ऊपर पूरा ढेर लगा हुआ है हमारे भी और घर वालों के भी, तो ज़्यादा तो अंदर हमारे ही हैं, तो पहले इनको अच्छी तरह से वतर लगा लेंगे, वतर लगाने के बाद एक शॉपर जो है उसके अंदर डालते जाएंगे, सारी लाइमलाइट भी उसी में होगी और खाड़ी भी उसी के अंदर इकट्ठी करते जाएंगे, और उसके बाद जो है वतर लगाने के बाद फ़ौरन आप कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें कपड़े बहुत अच्छे प्रेस हो जाते हैं। साथ जो है घर वालों ने भी कुछ कपड़ों को वतर लगा के रखा हुआ था तो हमने साथ उनके भी कर दिए, कुछ जो है कपड़े मैंने प्रेस किए, कुछ जो है मेरी बहन ने प्रेस किए, तो ऐसे मिलजुल के हम लोग काम जो है डिवाइड कर लेते हैं और थोड़ा आसान हो जाता है, कपड़े तो दोनों के थे। तो इस दफ़ा देखें कैसे कपड़े सिलवाते हैं, और डिज़ाइन खास तौर पर जो मुश्किल काम होता ना कपड़े सिलवाने में, मुझे तो बहुत सर खपाई वाला लगता है कि पहले आप डिज़ाइन देखो, उसके बाद डिज़ाइन आपको पसंद भी नहीं आता, ये नहीं कि देखते सारी पसंद आते, पसंद भी नहीं आता फिर वो बनवाओ और उसके बाद वो बनेगा कैसा। मुझे तो ये होता है कि जो चीज़ें हम सामने पीछे देख रहे हैं ना, हमने गूगल पे सर्च की या यूट्यूब पे ये डिज़ाइन, तो वो सामने चीज़ जो है वो प्यारी लग रही होती है, पर जब वो आप बनवा लेते हो अपने सूट के ऊपर तो वो थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, और जब जैसे कि अभी हम लोग प्रेस कर रहे थे सूट और सूट करते हुए हम देख रहे थे ये हमने कैसा डिज़ाइन बनवाया हुआ था, ये कैसा बनवा लिया था, और अब जो है वो डिज़ाइन बने हुए बहुत ही बुरे लगते हैं, बहुत ही अजीब लगते हैं। ज़्यादा आसान यही है कि बंदा जो है वो स्टिच हुए ले ले, लेकिन स्टिच हुए की जो फिटिंग का थोड़ा सा मसला होता है, और तो बाकी सब ठीक होते हैं बिल्कुल। कपड़े जो है वो ज़्यादा हम लोग खाड़ी से लेते हैं या लाइमलाइट से लेते हैं, और इधर उधर से बहुत कम समझ लें बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि लड़कियों के जो ज़्यादा वो डिज़ाइन आपको पता है कि सभी जो है वो लाइमलाइट से ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी एक तो प्राइसेस रीजनेबल होती हैं, साथ कलर बहुत प्यारे से होते हैं कलरफुल से, और साथ उनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है, वहाँ से आप शर्ट लें, वहाँ से आप साथ जो अपना ट्राउज़र लें, सारा कुछ एक शॉप से आप पूरा कर लें,
और खादी का जो कपड़ा वो बहुत मुलायम होता है, उनके भी कलर बहुत अच्छे होते हैं। इन दोनों के जो है ना वो कलर बिल्कुल भी नहीं उतरते। इतने में आप किसी और शॉप से ले लो, इतने के पैसे पड़ जाते हैं जितने इनके होते हैं, तो बेहतर है बंदा किसी ब्रांड के ले जो कुछ दिन आप पहन लो। यहाँ पर जी हमारे कपड़े बिल्कुल प्रेस हो चुके हैं, सब के सब हम लेकर नीचे आ चुके हैं मेरे रूम में। अब काम ये करना है कि हैंगर ढूंढने हैं, हैंगर ढूंढ के इनको बस लटकाते जाना है। तो हैंगर मैंने ढूंढ लिए हुए हैं, ये कपड़े मैंने सारे हैंग कर दिए हुए हैंगर पे। कपड़े माशाल्लाह से इतने हैं, अब जो वो अलमारी है जो कबर है उसके अंदर तो मुश्किल से ही आते हैं। किसी दिन जो उसका रॉड लगा वो ना नीचे गिर जाए, अदरवाइज और सिलवाए तो फिर वो कहाँ रखेंगे, साथ इसकी भी टेंशन है। तो ये कपड़े हैंग कर दिए हुए हैं। एक तो कबर्ड का ऐसा हाल होता है कि कुछ ऐसा हिसाब होता है, जितना आप इसको साफ करो ना, फिर एक हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद फिर जो है वो हालात ख़राब हो जाते हैं कबर्ड के। आज के लिए हमने जो जो काम सोचा हुआ था करने वाला, वो सारे हमने कर लिए। कपड़े वॉश कर लिए, उनको प्रेस कर दिया। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।